हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी के सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पुराने किंगडम की एक ऐसी रेमडी जो निश्चित तौर पर बहुत ही बेनिफिशियल रेमडी है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, इससे लोगों में प्लांट मेड रेमडीज के प्रति अवेयरनेस आए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक इन प्लांट मेड रेमडीज को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। और निश्चित तौर पर अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो ये रेमडीज बहुत ही कारगर होती हैं, सिम्टम्स मैच करना चाहिए। आप हमारे पुराने वीडियोज में देख सकते हैं कि इन्हीं रेमडीज के माध्यम से काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट आज ठीक हो चुके हैं। 3 महीने 4 महीने के अंदर उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है फ्रेंड्स कि पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ठीक होने के बाद उसका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है कि नहीं बंद हो चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है फ्रेंड्स, अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जब हमारे पास लोग आते हैं, जब हमसे बात करते हैं तो हमसे एक ही चीज़ वो कहते हैं कि सर मैं 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से हम डिसीजे से सफ़र कर रहे हैं। हमारी एक मर्ज की दवा शुरू हुई, आज हम 4-4, 5-5 मर्ज की दवा खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन सी चिकित्सा है? चिकित्सा तो वो होनी चाहिए जो कि एक निश्चित समय पे आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाए। ठीक है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, हमको भी, आपको, कभी भी किसी को, पर एक निश्चित समय में ठीक हो जाए, उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाए। पर आज तक हमने देखा है फ्रेंड्स कि अर्थराइटिस, थायराइड, डायबिटीज, कार्डियक से संबंधित समस्याएं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्रेन से संबंधित समस्याएं हो गया, कई प्रकार के जो दर्द की समस्याएं हो गई, जॉइंट की समस्याएं हो गई, गैस की समस्या हो गई, हमने कभी ठीक होते नहीं देखा है। जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं, लोग उनको जीवन भर ट्रीटमेंट वो लेते रहते हैं, एक मर्ज की शुरू करते हैं, 5-5, 6-6 मर्ज का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। चिकित्सा पद्धति वही कारगर मानी जाती है कि वही चिकित्सा पद्धति है जो कि निश्चित समय में पेशेंट को ठीक कर दे और उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये उसी प्रकार की चिकित्सा है फ्रेंड्स। एक निश्चित समय में अभी तक हमने अपने प्रैक्टिस में कुछ ही ऐसे केस होंगे जिनको हमने 6 महीने से ज़्यादा ट्रीटमेंट किया है, बाकी अधिकतम 2 महीने 3 महीने 4 से 6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उनका जो दवाइयां हैं वो कंप्लीट रूप से बंद हो जाती हैं। यही सबसे खुशी की बात होती है कि एक निश्चित समय में पेशेंट की दवाइयां बंद हो गई, आज वो अपना हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा पद्धति है फ्रेंड्स। ये रेमेडी, प्लांट मेड रेमेडीज, इनको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे पेशेंट ठीक हो गए, उनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं प्लांट मेड रेमेडीज ककस कैट्टी, COCCUSCACTI। इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स वो है कोचिनी, COCHINEAL। तो फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है काफ़ी बेनिफिशियल रेमेडी है, वो चाहे अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो यानी कि RTI इन्फेक्शन में, ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुई है फ्रेंड्स। इसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों को बार बार कोराइजा यानी सर्दी जुकाम के लक्षण कब बहुत ज़्यादा बनता है, उनका पूरा गला चोक होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि उनका नाक और गला पूरी तरीके से भर गया है, उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सो फ्रेंड्स हमें सर चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन प्राणवायु है, पर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन में नहीं जाती, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो अन्य गैसेस हैं वो भी हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और निश्चित तौर पर सभी को उपयोगिता रहती है। ऐसे कंडीशन में यानी कि कंजेशन में यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। इनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी हो नाक में और निश्चित तौर पर गले में कफ महसूस हो, चोक हो गया हो और पूरी तरीके से पेशेंट बिल्कुल एकदम समझ सकते हैं कि बिल्कुल फाइंटिंग यानी चक्कर उसको आने लगा हो, ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होती है। बुपिंग कफ, जिनको फिर बहुत ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाती है, वो सांस ही नहीं ले पाते, उनकी खांसी लगातार आती रहती है, ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत ही कारगर रेमेडी है। आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है ये फ्रेंड्स। इसके बारे में आगे हम बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोगों में सडन बीपिंग, बैठे रहेंगे अचानक रोना शुरू कर देंगे, ऐसे पेशेंट को ये रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होती है, जरूर देना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी जो 30 पोटेंसी आती है आप इसको भी दे सकते हैं, टिंचर फॉर्म में भी दे सकते हैं। हेडक यानी कि सरदर्द, सर्दी जुकाम के साथ साथ अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसे कंडीशन में रेमेडी बहुत ही प्रभावी रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ किडनी से संबंधित समस्याओं में
आपने अक्सर देखा होगा लोग अपना दोनों हाथ ऐसे पीछे ले जाके यहाँ पे पकड़ लेते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ है, यूरिन में तकलीफ है और बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने अपने प्रैक्टिस में इसके देखे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, पुनः कहते हैं लोगों तक जरूर पहुँचाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।